नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के चर्चित समाज सेवी धूरी यादव की शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़, बरारी गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों पर हुए हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। नमामि गंगे योजना में सरकारी फंड के दुरुपयोग का कांग्रेस नेत्री ने लगाया आरोप, कहा धरातल पर नहीं दिख रहा है कार्य। उप विकास आयुक्त ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की ली जानकारी। और जगदीशपुर में रेलवे फाटक पर हुए हादसे में गेटमैन की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के चर्चित समाज सेवी सह केंद्रीय काली पूजा समिति के महासचिव चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी यादव का पार्थिव शरीर मंगलवार को भागलपुर के बरारी स्थित शमशान घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। इससे पूर्व उर्दू बाजार स्थित आवास से शव यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बरारी पहुंची। इस दौरान शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं शव यात्रा में शामिल लोगों की आंखें नम थी। शव यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन से घटना में शामिल हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं शव यात्रा में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। शहर के विभिन्न इलाके के लोगों ने मृतक धूरी यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को भागलपुर के वकीलों ने घटना की निंदा करते हुए न्यायिक कार्य ठप कर दिया। इस दौरान वकीलों ने मार्च निकालकर अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने की मांग की। महासचिव संजय कुमार मोदी ने बताया कि 1997 और 2017 में भागलपुर में भी अधिवक्ताओं पर हमला हुआ था। आए दिन पुलिसकर्मियों का निशाना वकील बन रहे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासचिव ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। इस मौके पर काफी संख्या में वकील मौजूद थे। दिल्ली में 30,000 कोर्ट में अधिवक्ताओं के ऊपर पर पुलिस ने जो गोली चार्ज किया और अधिवक्ता घायल हुए, उनकी जान भी चली गई। और इस वक्त हम लोग उनके समर्थन में अपना आंदोलन तेज करने के मूड में हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कहना है, भागलपुर की पुलिस होश में आओ, तुम जो गलत करते हो अधिवक्ताओं के साथ, इसके अपमान के साथ जो खिलवाड़ करते हो, मैं भी तुम्हारे खिलाफ ये आंदोलन को तेज करने जा रहा हूँ। दिल्ली में जो पुलिस की बर्बर कार्रवाई हुई अधिवक्ताओं के ऊपर, गोली तक मार दी गई, उसी के विरोध में आज हमारा पूरा कोर्ट में कार्य नहीं हो रहा है। अपने आप को वकील कार्यों से अलग रखे, न्यायिक कार्यों से। और हमारी मांग है, वैसे पुलिसकर्मी को तत्काल दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करें और उस पर कार्रवाई करें और उसे बर्खास्तगी हो उसकी। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव अनामिका शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नमामि गंगे एवं गंगा आमंत्रण अभियान में सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि नमामि गंगे योजना का सभी कार्य सिर्फ कागजों में ही सिमटा है, जबकि इस योजना से शहर की जनता अनभिज्ञ है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के 45 सदस्य टीम का 2 दिनों तक भागलपुर प्रवास के दौरान क्या योगदान रहा है। इनके प्रवास में अनियमितता और सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि नाले और सीवरेज का गंदा पानी सीधा गंगा में पहुँच रही है, लेकिन नगर निगम ने इसके लिए अब तक कोई कार्य नहीं किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 10 अक्टूबर से जो नमामि गंगे के तहत गंगा आमंत्रण अभियान जो कार्यक्रम शुरू हुआ है केंद्र सरकार का, और उसके लिए जो यहाँ पर टीम आई हुई थी, उसका काम था यहाँ के लोगों को जन जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था। इसका कार्यक्रम का नेतृत्व जो है विंग कमांडर परमवीर सिंह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें जितने भी कार्यक्रम थे, इसको जनता को जागरूक करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था कि उसके लिए पद यात्रा करना था, उसके बाद इन लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकालना था, नुक्कड़ नाटक करना था, इन लोगों को गंगा आरती करना था और चौपाल करना था। अब इनके कार्यक्रम पर आइए कि ये जो पद यात्रा जो
करना था या इनको जनता को जागरूक करने के लिए इनको जो रैली करना था वो ये सैंडिस कंपाउंड से निकाले और चिन्मय होटल जो कि इनका निवास स्थान था वहाँ तक सिर्फ आए, और जबकि 45 सदस्यीय टीम आई थी उसके बावजूद भी, उसके अलावा नगर निगम के लोग भी उसमें शामिल थे, उसके बावजूद जिलाधिकारी नगर आयुक्त सबके रहने के बाद वो आंकड़ा जो है वो 90 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह से ये जो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है इससे क्या जनता जागरूक हो जाएगी। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीडीसी सुनील कुमार ने की। इस दौरान डीडीसी ने किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में कृषि पदाधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान डीडीसी ने तय समय सीमा के अंदर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया जिससे किसान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अंगारी रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसे में रेलकर्मी की मौत हो गई। मृतक कर्मी की पहचान वर्धमान निवासी विकास चंद्र के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह क्रॉसिंग का फाटक बंद करने के दौरान गेट नंबर 9 सी पर गेटमैन के सिर में चोट लग गई। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अन्य कर्मी एवं स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान गेटमैन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में मंगलवार को पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद, पूर्व छात्र परिषद के प्रदेश प्रमुख राकेश नारायण अम्बस्ट एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य अजित पांडे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजरंगी प्रसाद ने कहा कि पूर्व छात्र सम्मेलन विद्यालय के द्वारा अच्छा प्रयास है। किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मस्थान, ज्ञानार्जन स्थान एवं कर्म क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। प्रधानाचार्य रामजी सिन्हा ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से बचपन के सहपाठियों से मिलकर पुरानी यादों को ताजा करना सबको अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ववर्ती सभी छात्रों को एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं मौजूद थी। आज पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह है और इसमें गेट टुगेदर मिलने जुलने का कार्यक्रम है और पुराने नए सब भैयावानों का ही मिलन है और एक बार फिर से विद्यालय के साथ उनका एहसास। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम निर्धारित है। यह हमारा वार्षिक कार्यक्रम में है, प्रत्येक वर्ष हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। उसका स्तर कभी कभी विद्यालय का होता है, कभी संकुल का, कभी विभाग का। इस प्रकार कार्यक्रम निरंतर हमारे यहाँ आयोजित होते रहते हैं। आज गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में पूर्ववर्ती छात्रों के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार ने उसमें मुझे भी निमंत्रण दिया। ये सौभाग्य मिला कि आज अपने विद्यालय आने का, यहाँ सभी शिक्षकगण आचार्यगण से मुलाकात करने का, सभी पुरातन छात्रों से मुलाकात करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विद्यालय परिवार का जिन्होंने इस
नेक पहल को किया और अपने सभी पुरातन भाई बहन से मिलने का शुभ अवसर दिया। आज भी विद्यालय के अंदर वही संस्कार और वही सम्मान, वही प्यार मिला, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। श्री जिन भवानी जन्मोत्सव एवं चुनरी उत्सव को लेकर मंगलवार को श्री जिन भवानी सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं ने 108 मीटर की चुनरी के साथ पूरे नगर का भ्रमण किया और विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए श्री जिन माता मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया, जिसके बाद महिलाओं के द्वारा मंगल पाठ, ज्योत कार्यक्रम, कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव अरुण कुमार वर्मा, डोकानिया, महेंद्र शर्मा, अमरेंद्र कुमार वर्मा, चंदू वर्मा एवं विष्णु अग्रवाल की सराहनीय भूमिका रही। जमुई सांसद चिराग पासवान को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भागलपुर लोजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। इस दौरान सनहौला प्रखंड के लोजपा अध्यक्ष साथ दलित सेना के जिला उपाध्यक्ष सुबोध पासवान के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। सुबोध पासवान ने कहा कि सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी, साथ ही युवा नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इस मौके पर संजीव कुमार, शंभू मंडल, पप्पू कुमार, नीतीश कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पर्व त्यौहार को लेकर दिल्ली एवं अन्य राज्यों से घर आए हजारों लोगों को वापस अपने रोजगार पर जाने के लिए काफी जहदोजहद करना पड़ रहा है। मंगलवार को दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में काफी भीड़ रही। स्लीपर कोच का हर जनरल डब्बे की तरह हो गया और जनरल कोच में लोग भेड़ बकरी की तरह यात्रा करने को भी बस है। भागलपुर स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी थी। वहीं कई यात्री ट्रेन में सवार होने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते नजर आए। वहीं पूरा प्लेटफॉर्म परिसर यात्रियों की भीड़ से पटा रहा। कई लोगों ने ट्रेनों में भीड़ देखकर अपनी यात्रा स्थगित कर दी। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला में गेरुआ नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को अमडंडा हाट परिसर में ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया भवेश कुमार मंडल ने किया। इस दौरान एक समिति का भी गठन किया गया। मुखिया ने बताया कि पुल निर्माण कराने को लेकर 10 नवंबर से सभी गाँव में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार स्थानीय विधायक एवं सांसद को आवेदन दिया गया, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठक में डॉक्टर गणेश दत्त, कुशवाहा सुधा प्रसाद सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, सज्जाद आलम, विंदेश्वरी प्रसाद सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। दो ब्लॉक होगा, अब एक ब्लॉक की आबादी 1.5-2 लाख से तो कम है नहीं, और सब सगर के लोग जाएंगे, रजौन, फुलसिया, बांका, इधर भी जो है 12-8, ईसीपुर, कहलगांव, पीरपैती, साहेबगंज, तमाम वो सड़क जाम हो जाती है। महीने में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, 20 दिन वो सड़क जाम रहती है। SDO साहब ने खुद फील किया, ये सड़क हो ये तो अच्छी बात है, हम तो छोटे नौकर हम क्या करें। आज की बैठक जो है कि हम लोग पुल निर्माण हेतु मतलब कि डोभी और चांदपुर के बीच जो है कि उसी को लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ काली स्थान के प्रांगण में। आज जो हम लोग संघर्ष समिति का बैठक है, डोभी और जगन्नाथपुर चांदपुर के बीच एक पुल, गेरुआ नदी में पुल बनने वाला है। मतलब हम लोग स्थानीय विधायक और सांसद से कह के थक चुके हैं, लेकिन इस पर कोई जो है ध्यान आज तक नहीं दिया, और हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग ही संघर्ष, आम पब्लिक, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी मिल करके यहाँ से दिल्ली तक हम लोग रास्ता तय करेंगे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के चर्चित समाज सेवी धूरी यादव की शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़, बरारी गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों पर हुए हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। नमामि गंगे योजना में सरकारी फंड के दुरुपयोग का कांग्रेस नेत्री ने लगाया आरोप, कहा धरातल पर नहीं दिख रहा है कार्य। उप विकास आयुक्त ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की ली जानकारी। और जगदीशपुर में रेलवे फाटक पर हुए हादसे में गेटमैन की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।